हाय गाइस, मेरा नाम है शौरी और वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी फेस्टिव सीजन चालू हो रहा है और गणेश चतुर्थी इज राइट अराउंड द कॉर्नर। सो टुडे आई विल बी गेटिंग रेडी एंड शोइंग यू गाइस अ वेरी सिंपल एंड ग्लैम मेकअप लुक। ये मेकअप लुक फेस्टिव और ग्लैम तो है ही, उसके साथ ये लॉन्ग वेयरिंग भी है क्योंकि आपके घर में गणेश स्थापना तो होगी ही। आप सुबह उठोगे, रेडी होगे, फिर पूजा करोगे, शाम को आपके घर पे गेस्ट आएंगे, फिर आप शाम को अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के घर पे जाएंगे, तो ऐसा तो पूरा दिन निकल जाएगा। सो ये मेकअप लुक पूरे दिन में वेयर करने के लिए बेस्ट है। सो लेट्स रोल। फर्स्ट थिंग बिफोर अप्लाइंग एनी मॉइस्चराइज़र और प्राइमर एंड टू मेक श्योर कि मेकअप बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे स्किन पे टिके सारा दिन, व्हाट आई डू इज़ टेक एन आइस क्यूब और इसको एक कॉटन क्लॉथ पे रैप करके I just place it all over my face। इससे आपके पोर्स टाइट रहेंगे, स्किन बहुत ही स्मूथ और फ्रेश रहेगा। और द फाउंडेशन जो आप अप्लाई करेंगे वो दैट विल सिट वेरी वेल ऑन योर स्किन। सो आइस बेसिकली एक्ट्स लाइक अ प्राइमर। Let me clip my hair back. For moisturizer and primer, I'll use this Aroma Treasures Aloe Vera Gel. For foundation, I'll use L.A. Girl's Truly Matte Foundation in Warm Honey. Foundation को मैं directly अपने skin पे pump कर लूँगी। और blend करने के लिए मैं use करूँगी Real Techniques का blender। मेक श्योर आपका ब्लेंडर इज़ नाइस एंड डैम्प, उसी से ही आपका फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड होगा। मैं फाउंडेशन अपने लिड्स पे भी लगाती हूँ सो दैट एवरीथिंग लुक्स इवन। इफ़ यू आर वेरी ऑयली स्किन लाइक मी, आई हाईली रिकमेंड दिस फाउंडेशन। और अगर आपका स्किन टोन मेरे जैसा है, आई एम NC42 इन मैक, तो आप ये शेड ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। दिस इज़ इन द शेड वार्म हनी। आफ्टर फाउंडेशन आई यूज़ माई फेवरेट कंसीलर जो है मेबलिन एज रिवाइंड, और मैं यूज़ कर रही हूँ द शेड मीडियम। और सेम ब्यूटी ब्लेंडर के ये पॉइंटी एज से I will blend this out. पूरे फेस को सेट करने के लिए I'll use Pack Pressed Powder in the shade 07 with Real Techniques buffing brush. Foundation set करते वक्त I just press the brush into my skin. सो इससे फाउंडेशन बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाता है, स्पेशली अगर आपका ऑयली स्किन है और आप चाहते हो कि फाउंडेशन अच्छी तरीके से बैठे आपके स्किन पे। अंडर आइज को सेट करने के लिए आई यूज़ द सेम पैक प्रेस पाउडर। फॉर आई शेडो आई यूज़ W7 लाइटली टोस्टेड पैलेट। दिस इज़ अ ड्यूब फॉर द अर्बन डिके नेकेड पैलेट। उसमें से आई टेक दिस 5th आई शेडो जो कि बहुत ही लाइट ब्राउन है, और उसको एक ऐसे फ्लफ़ी ब्रश पे लेके सिर्फ आई पुट इट ऑन माई क्रीज। सो ये एक अच्छा हमारा ट्रांजिशन शेड बन जाएगा। और इसको सर्कुलर मोशंस में ब्लेंड कर दीजिए। फॉर द लिड शेड मैं ये 6th शेड यूज़ करूँगी जो बहुत लाइट गोल्ड शैम्पेनी शेड है। उसको मैं ये रियल टेक्निक्स शेडिंग ब्रश पे लेके आई यूज़ इट ऑन माई लिड्स। इसको सिर्फ मैं 3/4 ऑफ द लिड्स पे यूज़ कर रही हूँ। और आउटर कॉर्नर के लिए मैं ये 2 ब्राउन शेड्स को मिक्स करके आई यूज़ ऑन दी वेट एंड वाइल्ड P15 ब्रश। एक शार्प आउटर एज के लिए मैं यूज़ करती हूँ एक कार्ड, एक बिज़नेस कार्ड या तो एक क्रेडिट कार्ड, फिर उसको ऐसे एज पे लगा के जस्ट पैट दी डार्कर आई शेडो। अभी आपको बहुत एक लवली शार्प एज मिल जाएगा। एंड दूसरे आई में भी करने के लिए यू हैव टू यूज़ द सेम टेक्निक। थोड़ा सा और ब्लेंड कर लेते हैं। लो लैश लाइन के लिए मैं वही सेम शेडिंग ब्रश रियल टेक्निक्स का यूज़ करूँगी और वही दो ब्राउन शेड्स को मिक्स करके आई विल स्मोक आउट द लैश लाइन। आउटर एज को थोड़ा सा और डार्क करने के लिए मैं सेम पैलेट से वो ब्लैक शेड यूज़ करूँगी ऑन एन एंगुलर ब्रश और सिर्फ आउटर कॉर्नर पे आई पुट दैट ब्लैक शेडो। आई शेडो के बाद आई विल यूज़ लैक्मे इंस्टा लाइनर फॉर माई आई लाइनर। आई लाइनर के बाद आई विल यूज़ अ काजल। और फिर आई लैशेस को कर्ल करके विल पुट अ मस्कारा। मस्कारा के लिए मैं यूज़ करूँगी लॉरियल लैश पैराडाइज। ये मस्कारा वाटरप्रूफ है, सो सारा दिन आप वेयर कर सकते हैं विदाउट एनी स्मजिंग। फॉर आईब्राउज आई विल यूज़ फ्रीडम आईब्राउ पॉमेड इन द शेड एबनी। पॉमेड के पहले आई विल यूज़ अ स्पूली और आईब्राउज को ब्रश कर लेंगे सो दैट हमको आईब्राउ का शेप दिख जाए। फिर एक सिंथेटिक एंगुलर ब्रश से आई विल फिल माई ब्राउज। ये ब्राउ पॉमेड वाटर रेजिस्टेंट है, सो आपके ब्राउज दिन भर वही रहेंगे। आई मेकअप के बाद हम फिर आते हैं फेस पे। ब्रॉन्जिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी एलए गर्ल प्रेस्ड पाउडर इन द शेड चेस्टनट। एक फ्लफी ब्रश पे लेके आई विल क्विकली ब्रॉन्ज माई फेस। फॉर ब्लश आई विल यूज़ लॉरियल ट्रू मैच ब्लश इन द शेड हनी। लॉन्ग वेयरिंग मेकअप के लिए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ टू फिनिश योर मेकअप विद अ स्प्रे। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी पैक माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर। और फिर ब्लेंडर से मैं एक बार डैब कर लूँगी सो दैट ये स्प्रे अच्छी तरीके से सेट हो जाए। जब भी आपका स्प्रे डैम्प है तभी इज़ द राइट टाइम टू यूज़ अ हाइलाइटर। सो हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ करूँगी ओडबो का स्वीट हार्ट्स हाइलाइटर इन द शेड 05 विथ अ सिग्मा ब्रश F35। सो आई विल यूज़ इट फेस के हाई पॉइंट्स पे। एंड थोड़ा सा नोज के ब्रिज पे। फाइनल स्टेप है लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए आई प्रिफर वेयरिंग अ लिक्विड लिपस्टिक जो पूरा दिन स्मज ना होता हो, जो आधा निकल ना जाता हो। सो इसके लिए आई लव वेयरिंग शुगर स्मज मी नॉट लिपस्टिक इन द शेड ब्रेजन रेजिन। सो मेकअप हमारा हो चुका है। आई विल क्विकली पुट ऑन माई आउटफिट एंड माई ज्वेलरी एंड बी राइट बैक। एंड आई एम बैक। मैंने एक हैंडलूम कॉटन साड़ी पहना हुआ है। पूरा दिन पहनने के लिए ये बहुत कंफर्टेबल रहेगा। ज्वेलरी के लिए मैंने कुंदन का सेट पहना है एंड ऑल्सो आई एम वेयरिंग दी ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन नथ जो ऑस्पिशियस ओकेजन्स में पहना जाता है। एंड दैट्स दी होल लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने मिले। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।